हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू एपिसोड। और आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। गाइस, पिछले एपिसोड में तो हम लोग नेदर में गए थे और वहाँ पे नेदर फोर्ट्रेस ढूंढा था। एंड आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या किसी को कोई आइडिया है? हाँ खजामा, आज हम लोग एंचेंटमेंट टेबल बनाएंगे। और हाँ, हमने अभी तक अपने शेरों को नाम नहीं दिया है। सबसे पहले हम लोग अपने शेरों को नाम ही देंगे। लेट्स गो। नाम देने के लिए हमें एनविल बनाना पड़ेगा और एक नेम टैग चाहिए। खजामा, हमारे पास नेम टैग तो है लेकिन हमारे पास एनविल नहीं है। सबसे पहले शेरों को मैंने थोड़ा सा चिकन खिला दिया। बहुत अच्छे बोचैन, अब हमें जल्दी से एनविल बनाना है क्योंकि नेम टैग तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है। एनविल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए खजामा? शिनचैन, उसके लिए हमें बहुत सारा आयरन चाहिए होगा। सबसे पहले तो हमें 3 आयरन के ब्लॉक चाहिए, उसके बाद हमें थोड़ा बहुत और आयरन चाहिए। एंड एंचेंटमेंट टेबल के लिए भी ऑब्सीडियन बुक्स और डायमंड्स चाहिए। हमारे पास ऑब्सीडियन और डायमंड्स तो हैं लेकिन बुक एक भी नहीं है क्योंकि मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ, बस खजामा ही पढ़ता है। अरे शिनचैन, ये वो वाली बुक नहीं है। तो गाइस, हमें यहाँ पे बुक बनानी होगी। वो बाद में, सबसे पहले एनविल बनाते हैं। देखो, इसके लिए 3 आयरन ब्लॉक और 4 आयरन चाहिए। तो यहाँ से हम जल्दी से आयरन को पिघला लेते हैं और इससे हमारे 3 आयरन ब्लॉक्स बन जाएंगे। हाँ, चलो मिलते हैं आयरन पिघलाने के बाद। 4-6 days later। चलो, हमारे आयरन तो काफी बन चुका है, अब इससे जल्दी से आयरन के ब्लॉक्स बना लेते हैं। ये रहे आयरन के ब्लॉक्स। ओके, हमारे पास 3 आयरन के ब्लॉक्स हो चुके हैं। थोड़ा सा आयरन चाहिए अभी हमें, टोटल 5। अरे मसाओ, हमारे पास 5 आयरन हो गया। चलो मैं जल्दी से एनविल बना लेता हूँ। ये रहा एनविल, इसको मैं मसाओ के सर के ऊपर रखूंगा। शिनचैन, क्यों मेरे सर के ऊपर क्यों रखोगे? अरे मसाओ, क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर बाल नहीं है ना। अबे उससे के साथ मस्ती करना बंद कर। ये देख, मैंने एनविल को यहाँ पे रख दिया और अभी हमें इसमें नेम टाइप करना है। मैं करूँगा खजामा, मुझे शेरों की स्पेलिंग आती है। ऐसे चाहिए आर। अरे IUR नहीं, IRO। हाँ बुचेन, वही वही, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। चलो, हमने शेरों का नाम दे दिया। ये शेरों कैसा लग रहा? हाँ बहुत अच्छा शेरो। अरे वाह, शेरो को तो नाम मिल गया लेकिन खजामा को कब मिलेगा? अरे मेरा नाम खजामा ही है। मुझे लगा था तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है खजामा। अभी सो जाओ, सुबह ही काम शुरू करेंगे। अरे भोजन सुबह हो भी चुकी है। चलो, अभी हमें एंचेंटमेंट टेबल बनाना है। उसके लिए हमें पेपर चाहिए, पेपर से फिर बुक बनेगी, बुक से फिर एंचेंटमेंट टेबल बनेगा। हाँ, लेकिन पेपर से पहले भी हमें एक और चीज चाहिए और वो है शुगर केन। तो चलो जल्दी से, मुझे पता है शुगर केन उस तरफ होगी क्योंकि मैंने उस दिन देखा था जब हम लोग सैंड कलेक्ट करने गए थे। शुगर केन देखो, वहाँ पे बहुत सारा है। हाँ, हमें यहाँ से पानी से होकर जाना पड़ेगा। लेट्स गो, जल्दी से सारा शुगर केन इकट्ठा करते हैं। शुगर केन, वी आर कमिंग, लेट्स गो। हम शुगर केन के पास पहुंच चुके हैं। वो रहा सारा तोड़ लो। अरे मैं सारा क्यों तोड़ना है, बस दो ले चलते हैं। अरे शिनचैन, दो से कुछ नहीं होने वाला, हमें बहुत सारा शुगर केन चाहिए होगा। ये देखो, थोड़ा सा यहाँ पे भी है, इसको भी तोड़ लो। ओके, मैं तोड़ता हूँ। ये मैंने तोड़ लिया। थोड़ा सा और चाहिए, अभी भी हमारे पास कम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी थोड़ा सा शुगर केन है। हाँ मसाओ, इसको भी तोड़ लो, जल्दी करो। हाँ खजामा, मैंने तोड़ लिया, अब घर चलते हैं। जल्दी से पानी में कूदो। अरे वाह, घर जाके हम लोग अभी क्या करेंगे? घर जाके हम लोग एंचेंटमेंट टेबल बनाएंगे। हमने काफी शुगर केन इकट्ठा कर लिया लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे लगा देते हैं। देखो, यहाँ पे और शुगर केन उग जाएगा तो हमारा ही फायदा है। अरे हाँ बोचे, बात तो सही है क्योंकि अभी हमें सिर्फ एक बुक चाहिए, बाकी का शुगर केन हमने यहाँ पे लगा दिया। इससे हमारे पास और भी ज्यादा शुगर केन होगा और ज्यादा बुक्स बना पाएंगे। हाँ, और बुक्स बनाने के बाद हमें बुक शेल्फ भी तो चाहिए होगी, तो उसके लिए हमें बहुत सारा शुगर केन चाहिए। इसका हम लोग अलग से फार्म बना सकते हैं। अरे हाँ बोचन, शुगर केन फार्म हम लोग किसी और टाइम बनाएंगे लेकिन अभी हमारा मेन काम करते हैं। वो है एंचेंटमेंट टेबल बनाना। ये देखो, हमारे पास सारा सामान हो गया और ये हमने टेबल बना लिया। अब इससे हमें लगाना कहाँ पे है ये तो बताओ। अरे इसके लिए हमें एक अच्छी जगह चाहिए। हमारे पास लैपिस लजूली बहुत ही कम है दोस्तों। अरे यार, ये तो मुश्किल हो गई, अब क्या करें? जितना है इतने से ही आज काम चलाएंगे, फिर हम लोग देखते हैं लैपिस लजूली भी माइन करने चलेंगे किसी टाइम। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा शुगर केन बचा है तो उसको यहाँ पे लगा देते हैं।
मैं तो कहता हूँ इसका अलग से फार्म बना दो, ऐसे अलग अलग मत लगाओ। अरे शिंचन कोई बात नहीं, अभी हमारे पास ज्यादा शुगर केन नहीं है तो अभी कल इतना सही है। अरे थोड़ा सा यहाँ पे भी लगा दो, मसाओ। ठीक है कजामा, जैसे तुम्हें सही लगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाटर चाहिए, रुक मैं पानी ले लेता हूँ। ये रहा पानी, और ये डाला, इसके बाद ये लगा दिया। मसाओ तो काफी अच्छा काम कर रहा है। हाँ मसाओ मुझसे सीख रहा है, चलो मसाओ ऐसे ही काम करते रहे। थैंक यू कजामा। अरे दोस्तों अब हमें आगे क्या करना है? आगे शिंचन हमें यहाँ पे जगह बनानी है जहाँ पे हम लोग टेबल लगा सके। मैं तो कहता हूँ घर के ऊपर लगाते हैं। नहीं नहीं घर के ऊपर नहीं, हम लोग मसाओ के सर के ऊपर लगाते हैं। शिंचन तुम मेरे सर की क्यों पड़ी रहती है? अरे मसाओ वो खाली खाली लिखता है, इससे वो भर जाएगा। मुझे नहीं पढ़ना, मेरे को मेरा सर बहुत प्यारा है। तुम्हें तुम्हारा टकला प्यारा है क्या मसाओ? हाँ शिंचन बहुत ज्यादा। अरे तुम लोग फालतू की बातें बंद करो, मैंने यहाँ पे लैडर्स बना ली है, अभी यहाँ पे लैडर लगाते हैं और ऊपर चलते हैं। ओके सो मैं लगाता हूँ ऊपर से, यहाँ पे लगानी है हमें। अरे बोचन तू कर क्या रहा है? ओके यहाँ पे लगा रहा हूँ, रुको सबर तो करो, ये मैंने लगा दिया। ओके चलो भी जल्दी से ऊपर चलो। पहुँच गए कजामा, हम लोग ऊपर पहुँच गए। यहाँ पे हमें टेबल लगाना है क्या? मुझे सही नहीं लग रही यार ये जगह, ऐसे तो ये बेकार लगेगा। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है, यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, हमें ये एंचेंटमेंट टेबल कहीं और लगाना चाहिए। तो चलो नीचे चलते हैं, यहाँ पे कोई फायदा नहीं। अरे मेरी मानो हम लोग एनविल के पास रख देते हैं। अरे मसाओ ऐसा क्यों? शिंचन क्योंकि हमारे पास अभी इतने बुकशेल्फ तो है नहीं, तो हमें ज्यादा जगह की जरूरत भी नहीं, और जब हम लोग बुकशेल्फ बना लेंगे तो हम इसको किसी और जगह शिफ्ट कर देंगे। अरे हाँ मसाओ आइडिया बिल्कुल सही है, चलो यहाँ पे ठीक है। अब हमें एक बुकशेल्फ बनाना है, उसके लिए थोड़ा सा हमें शुगर केन चाहिए होगा। तो यहाँ से तोड़ लो, ये देखो कितना शुगर केन लगा पड़ा है। ठीक है चलो यहाँ से मैंने काफी तोड़ लिया, एक शुगर केन और चाहिए। ओके अभी हमें जल्दी से बुक्स बनानी है, उससे हमारा बुकशेल्फ तो बन ही जाएगा। अरे कजामा क्या तुम्हें यहाँ पे भी पढ़ना है जो तुम इतने बुक्स की लगी पड़ी है? अरे शिंचन वो बुकशेल्फ मेरे लिए नहीं है, उसको हम लोग अगर एंचेंटमेंट टेबल के पास रखेंगे ना तो उसमें हमें और अच्छे एंचेंटमेंट्स मिलेंगी। कजामा लेकिन एक बुकशेल्फ से कुछ नहीं होता, हमें बहुत सारे चाहिए होंगे। हाँ यार बोचन बात तो सही है, लेकिन चलो अभी के लिए एक ही बना देते हैं, उसके पास थोड़ी सी जगह खाली पड़ी है। ये देखो ये दिखने में अच्छा भी लग रहा है। चलो यहाँ पे हमारे बुकशेल्फ तो लग गया, अब आगे क्या करना है? चलो दोस्त भी आगे क्या करना है? मैं तो कहता हूँ हमें थोड़ी आयरन की टूल बनानी चाहिए, क्योंकि डायमंड के टूल से हम लोग बड़ी एंचेंटमेंट्स लगाएंगे। हाँ यार शिंचन की बात में दम है, जल्दी से आयरन के टूल्स बनाते हैं, क्योंकि अभी हमें ज्यादा अच्छे एंचेंटमेंट्स तो मिलेंगे नहीं, तो आयरन के टूल्स पे ही लगा लेते हैं। हाँ ठीक है मैंने यहाँ पे आयरन के टूल्स बना लिए, अब हमें एक चेस्ट प्लेट भी चाहिए आयरन की, वो भी बना लेते हैं। दोस्तों ये मत बोलो हमारे पास ज्यादा लैपिस लाजुली नहीं है, तो हम लोग सिर्फ चार टूल्स को ही एंचेंट कर सकते हैं। अरे यार ये तो प्रॉब्लम हो गई, तो लैपिस का क्या करें? अभी हम लोग नहीं लेने जाएंगे, हम लोग बाकी एंचेंटमेंट्स फिर किसी और टाइम करेंगे, आज के लिए इतनी ही करते हैं। अच्छा ठीक है, सो स्वॉर्ड पे यहाँ पे दो मिल रही है, मैं लगाऊंगी इस पे शार्पनेस। ये देखो शार्पनेस एकदम मेरी तरह शार्प। अच्छा नेक्स्ट वाली मैं लगाऊंगा, शबल पे मैं लगाऊंगा एफिशिएंसी। अरे ये दोनों एफिशिएंसी हैं, तो मैं सस्ता वाला लगाऊंगा। अरे हाँ मसाओ तुम सस्ता वाला ही लगा, क्योंकि तुम खुद भी बहुत सस्ते हो। शिंचन मैं कोई सस्ता वस्ता नहीं हूँ, मैंने ओए पे भी एफिशिएंसी लगा दी और अनब्रेकिंग लगा दी एक्स पे। नाइस बोचन। सो गाइस यहाँ पे हमारे वेपन्स तो एंचेंट हो चुके हैं, बाकी डायमंड के वेपन हम लोग यहाँ पे निकाल के रख देते हैं। अरे दोस्तों मुझे तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है दिखने में। हाँ शिंचन ये कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहे हैं, एंचेंटमेंट्स के बाद टूल्स ऐसे ही हो जाते हैं। बाहर तो अंधेरा है, देखो हमारे पास एक आयरन है, तो ये आयरन से हम लोग गोलेम को ठीक करेंगे, वो बेचारा लड़ते लड़ते इंजर्ड हो गया होगा। लेकिन ये गोलेम बाबा है कहाँ? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। अरे ये रहा गोलेम बाबा। ए गोलेम बाबा ये यहाँ आओ, हम तुम्हें आयरन देने आए हैं, ये लो आयरन खाओ। ये गोलेम आयरन क्यों खाता है? क्योंकि वो आयरन गोलेम है, इसलिए वो आयरन खाता है। ओ इसको थोड़ा और चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास आयरन खत्म हो गया। हाँ हमें माइनिंग पे जाना ही पड़ेगा, लेकिन आज नहीं जा पाएंगे। नया वाले चेस्ट पे डम लो, अभी चेस्ट में रख देते हैं और ये पुराना वाला पहन लेते हैं। ठीक है मसाओ। ये कर दिया, अब हम सब लोग सो जाते हैं। चलो बहुत ज्यादा सुबह हो चुकी है। सुबह नहीं रात। अरे पूछे देखो अभी तो सुबह हो गई ना। हाँ वो तो अभी हुई, पहले थोड़ी ना हुई थी,
अरे मेरे पास एक आइडिया है, हमारे पास खाने की काफी कमी है, सभी हम लोग बोन मील बनाते हैं, उससे हम लोग अपनी वीट को उगाएंगे। हाँ, बोन मील से वीट काफी ज्यादा ग्रो हो जाएगी। ये देखो मैंने काफी सारा बोन मील बना लिया है, चलो लेट्स गो। मैं तो वीट से ब्रेड बनाऊंगा कि जाना, मुझे ब्रेड बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है। हाँ, और हमारे एनिमल्स को भी चारा डालना है, उनको भी खिला पिला देंगे। ठीक है बूचन, सबसे पहले फसलों को उगा बोन मिल से। हाँ मैं साहू उगा रहा हूँ, यहाँ पे सारी फसलों को उगाएंगे। अरे भाई ये तो बहुत ही जल्दी बड़े हो रही है। ये सब बोन मिल का कमाल है शिनचैन। ये बोन मिल तो काफी ज्यादा बढ़िया है। हड्डियाँ चलो काम तो आई, स्केलेटन्स की हड्डियाँ है ये। स्केलेटन्स हमारे लिए अच्छा काम करते हैं। हाँ शिनचैन, उन्होंने हमें अच्छी हड्डियाँ दे दी। चलो मैंने काफी सारी वीट भी तोड़ ली है, एंड अभी यहाँ पे हम लोग सीड लगा देते हैं ताकि यहाँ पे और वीट उग सके। ये काम मैं करता हूँ, बस हो ही गया। चलो अब हम लोग जल्दी से एनिमल्स को चारा डाल देते हैं। हाँ, इन्होंने भी काफी दिन से खाया नहीं होगा। अरे मसाल भी एक हफ्ते पहले ही तो हमें इनको इतना खाना खिलाया था। अबे तो एक हफ्ते तक तू भूखा रह लेगा क्या शिनचैन? मैं तो रह सकता हूँ। अच्छा तो ठीक है रह के दिखा, लेकिन मुझे रहना नहीं है। क्यों? मेरी मर्जी, तुम कौन होते हो? अरे ये तो बड़ा चलाक है यार। चलो मैंने यहाँ पे सारी एनिमल्स को खाना खिला दिया। देखो अभी यहाँ पे बड़ा गुच्छू गुच्छू हो रहा है। ये दोस्तों ये सारी एनिमल्स तो अभी पेट भर के खा लिए, अब हमारी बारी। मैं तो ब्रेड्स बनाने जा रहा हूँ। हमारे पास कितने ज्यादा एनिमल्स हो चुके हैं। हाँ तो खाते खाते वो लोग अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। अभी हमें जल्दी से ब्रेड बनाने हैं, चलो चलो ब्रेड्स बना लो। और ये ब्रेड्स बन गए। ये दोस्तों हमारे पास कुछ अंडे हैं, इनको फोड़ते हैं, क्या पता ऑमलेट मिल जाए। स्वागत तो करो हमारा। ऑमलेट? ये क्या? अरे ये तो मुर्गे का बच्चा है, जल्दी गेट बंद कर। वाह हमारे घर में नया मेंबर आ गया, हमारा नया दोस्त। इसका नाम क्या रखना है? इसका नाम हम लोग रखेंगे टिंगू। अरे टिंगू विंगू नहीं। सो गाइस आप लोग हमारे इस न्यू फैमिली मेंबर के लिए एक अच्छा सा नाम कमेंट करो। हाँ जल्दी से इसके लिए एक अच्छा सा नाम कमेंट में लिख दो, मैं इसको थोड़ा सा खाना खिला देता हूँ। अरे शिनचैन मारना नहीं है, खाना खिलाना है उसको। हे तुमसे ना हो पाएगा, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो छोटू? ये लो खा लो, मैं खिला देता हूँ। नाइस भोजन, शिनचैन ने तो उसको मार ही दिया था। अरे वो गलती से लगा, शिरू तुम्हारा दोस्त आ गया, ये लो उसकी पार्टी करो, खा लो। चलो दोस्तों हमारा आज का सारा काम खत्म हो गया, आज तो मजा आ गया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड नेक्स्ट एपिसोड में हमें क्या करना है कमेंट करो। हाँ, और मेरे टिंगू के लिए भी एक अच्छा सा नाम कमेंट करो। ओके बाय बाय दोस्तों।